नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों को एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक्स में चेन रिएक्शंस स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने चेन रिएक्शंस पढ़ी थी H2 और Br2 की थर्मल रिएक्शंस की। आज हम स्टडी करेंगे H2 और Br2 की फोटोकेमिकल रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे थे चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शंस में आज हम स्टडी करेंगे आगे फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Br2। देखो वही स्टेप्स लिखेंगे हम, मैकेनिज्म जब हमें आ जाएगी तो रिएक्शन का रेट भी हम कैलकुलेट कर देंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? यूजी लेवल पे हमने पढ़ा हुआ होगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो लाइट ही प्रेजेंस में होती है। मींस ये जो रिएक्शंस हैं इनके लिए हमें एनर्जी जो दी जाती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है। तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर यहां तक? तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम चेन इनिशिएशन स्टेप स्टडी करते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप अब ये कौन सी रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो क्या है, फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा और रेडिकल मींस जो एनर्जी थर्मल एनर्जी दे रहे थे, अब उस थर्मल एनर्जी की जगह आप क्या दे रहे हो? रेडिएशंस एनर्जी। और रेडिएशंस एनर्जी दी तो किसकी फॉर्म में दोगे? एच न्यू की फॉर्म में। तो Br2 सबसे पहले एच न्यू मींस फोटोन को अब्सॉर्ब करता है और रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, Br रेडिकल। इस लाइट की जो इंटेंसिटी है, इस लाइट की इंटेंसिटी को हम आई, और कौन सी लाइट की इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं? जो ये लाइट अब्सॉर्ब करेगा, जो ब्रोमीन के द्वारा अब्सॉर्ब की जाएगी, उस लाइट की इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा इस लाइट की इंटेंसिटी पे। कौन सी लाइट? जो ब्रोमीन के द्वारा अब्सॉर्ब की गई है, उस लाइट की इंटेंसिटी पे। यहां का रेट कांस्टेंट K1 है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप में अब हमारा चेन कैरियर बन गया। सेकंड स्टेप में हम लिखते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये चेन कैरियर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है और आगे रिएक्शन को बढ़ाता है, HBr प्लस में H रेडिकल। अब हमें चेन कैरियर नहीं मिला इसलिए हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। H रेडिकल वापस Br2 के साथ रिएक्शन करता है, HBr प्लस में Br रेडिकल। अब हमारा चेन कैरियर मिल गया इसलिए हम इस रिएक्शन को यहीं स्टॉप कर देते हैं। थर्ड स्टेप, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब भी हम HBr की रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें हम एक स्टेप और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, चेन इनिबिशन स्टेप्स। तो आज हम इनिबिशन स्टेप्स और पढ़ेंगे, चेन इनिबिशन स्टेप।
चेन इनहिबिशन स्टेप का मतलब क्या है कि ये जो बनने वाला एचबीआर है ये इनहिबिटर्स की तरह बिहेव करता है। इनहिबिटर्स का मतलब ये एचबीआर जो है वो एच रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है और वापस डिकम्पोज हो जाता है। तो प्रोडक्ट हमारा वापस रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएंगी और रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। और उसी को क्या कहते हैं हम, रिएक्शन के रेट को स्लो करने वाला क्या कहलाता है, इनहिबिशन, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर्स कहते हैं। तो यहां पे इसीलिए हम एक स्टेप और जोड़ रहे हैं, चेन इनहिबिशन स्टेप। इसमें क्या होता है, एच बी आर एच रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है और एच टू प्लस बी आर रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारी चेन टर्मिनेशन स्टेप होती है। चेन टर्मिनेशन स्टेप में चेन कैरियर आपस में मिलते हैं और रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। यहां चेन कैरियर क्या है, बीआर रेडिकल, तो बीआर रेडिकल रिएक्शन करके बीआर टू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लिखते हैं इस रिएक्शन का रेट। रेट हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डी एच बी आर अपॉन डी टी। कहां कहां बन रहा है एच बी आर, सेकेंड और थर्ड स्टेप में बन रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और फोर्थ स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो हमारे ये तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में मैं जब रिएक्शंस का रेट लिखूंगी तो प्लस यूज करूंगी और फोर्थ स्टेप में माइनस का साइन यूज करूंगी। तो डी एच बी आर रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल, तो रेट मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, रेट ये होगा के टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस बी आर और एच टू की कंसंट्रेशंस, बी आर एच टू प्लस के थ्री, तीसरी स्टेप में भी बन रहा है प्लस साइन यूज किया, के थ्री एच रेडिकल इनटू बी आर टू, और फोर्थ स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है एज ए, यूज आ रहा है एज ए रिएक्टेंट, इसलिए मैं माइनस साइन यूज कर रही हूं, माइनस के फोर एच बी आर एच रेडिकल। अब देखो इस पूरे में हमें एच रेडिकल और बी आर रेडिकल की फॉर्म में भी मिला, ये हमारा रिएक्शन रेट है। इस रिएक्शन रेट में एच रेडिकल और बी आर रेडिकल की कंसंट्रेशन भी आई है और हमें पता है कि एच रेडिकल और बी आर रेडिकल जो है वो इंटरमीडिएट है। तो जब इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट में आ जाती हैं तो उनको हटाने के लिए हम कौन क्या यूज करते हैं, स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट यूज करते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है। और वो क्या कहता है, इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में जो रेट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे इंटरमीडिएट का डीकंपोजिशन रेट और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन रेट इक्वल हो जाता है। तो वही यूज करेंगे, मैं पहले स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई कराऊंगी एच रेडिकल पे और फिर हम अप्लाई करेंगे पी आर रेडिकल पे। अब एच रेडिकल पे कहां कहां बन रहा है, सेकंड स्टेप में एच रेडिकल बन रहा है, थर्ड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, फोर्थ स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, मीन्स इन्हीं तीन स्टेप्स में यूज आ रहा है। तो डी एच रेडिकल अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, जीरो, और ये क्या है रेट लो के अकॉर्डिंग के टू बी आर रेडिकल एच टू माइनस के थ्री
जहां ये कंज्यूम हो रहा है वहां मैंने माइनस साइन लगाया है, तो K3H रेडिकल Br2 माइनस K4H रेडिकल HBr। ये इक्वेशन नंबर आपकी, ये 1 नंबर दे दो और इसको ये 2 नंबर दे दो। थर्ड मैं स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई कराऊंगी, Br रेडिकल पे। Br रेडिकल्स पे कौन कौन से स्टेप में बन रहा है? फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टेप में मैं जो रेट लिखूंगी वो कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो मैं रेट लिखूंगी वहां पे मैं इंटेंसिटी यूज करूंगी लाइट की, तो क्या होगा? K1 I absorb बन रहा है, इसलिए प्लस साइन लगाया। सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, माइनस साइन लगाओगी। K2 Br रेडिकल H2। थर्ड स्टेप में फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्लस साइन लगाओगे, प्लस K3H रेडिकल Br2। फोर्थ स्टेप में फिर से फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्लस साइन लगाओगे, K4HBr Br रेडिकल, सॉरी H रेडिकल। और फिफ्थ स्टेप में फिर से कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस साइन लगाओगे, K5 Br रेडिकल का स्क्वायर। और इन सब के इक्वल जीरो है, ये जीरो मैंने यहां कर दिया। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो गई। अब कल की तरह ही हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे और एच रेडिकल और बी आर रेडिकल की कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करेंगे। ये सब स्टेप्स हटा देते हैं हम, क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए। अब मैं यूज करूंगी, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप देखो K2 Br H2 माइनस K3 H Br2 माइनस K4 H Br, ऐसी फॉर्म यहां बना लो। यहां पे K2 किसका है? प्लस का। यहां पे किसका है? माइनस का। मैं यहां पे पूरे में माइनस कॉमन ले लेती हूं। देखो एक मेथड तो कल ये था, ये यूज किया था हमने कि थर्ड वाले में से मैं सेकंड को माइनस कर दूं, एक ही बात है। और एक मेथड मैं आज आपको सिखा रही हूं, क्योंकि केवल मैथमेटिकल फॉर्म है ये, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशंस की, थर्ड इक्वेशंस की। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास K1 I absorb, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ही माइनस साइन बाहर लूंगी, ब्रैकेट यूज करूंगी, तो ये जो K2 Br H2 रेडिकल जो माइनस का था वो प्लस में हो गया ब्रैकेट के अंदर, K2 Br रेडिकल H2। उसके बाद ये जो प्लस का था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनस में। माइनस में K3 H रेडिकल Br2। और ये जो प्लस का K4 था ये होगा माइनस का K4 H रेडिकल HBr। बस यहीं तक ले लो, क्योंकि आपकी तो ये इक्वेशन यहीं तक है, उसके इक्वल टू जीरो है। और वापस आपका ब्रैकेट बंद कर दो। यहां तक लिख लिया हमने, यहां तक। उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है? माइनस K5 Br रेडिकल का स्क्वायर, और इन सब के इक्वल हमारा जीरो चल रहा है। अब देखो जहां जहां मैं दूसरे पेन से लाइन बना रही हूं,
ये वाली, इस ब्रैकेट के अंदर, वहां उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई क्या, ये रही देखो के टू, ये रहा बी के टू बी आर एच टू, ये रहा के टू बी आर एच टू, प्लस का है हमारा भी प्लस का था, फिर माइनस के थ्री एच बी आर टू, माइनस के थ्री एच बी आर टू ये रहा, फिर है माइनस के फोर एच एच बी आर, हमारा भी माइनस के फोर एच एच बी आर, और इन सब की वैल्यू क्या है जीरो स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट से। तो ये पूरा पोर्शन जहां पे मैं रेड पेन से निशान लगा रही हूं, ये पूरा पोर्शन अपने को यहां से लेके यहां तक पोर्शन, इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास जीरो वैल्यू हो गई। मैं पुट कर दूं यहां पे तो मेरे पास इक्वेशन क्या क्या बची, ये बचा K1 I absorb, इस पूरे की जगह जीरो आ गया, माइनस का जीरो, माइनस K5 BR रेडिकल का स्क्वायर, और इन सब के इक्वल जीरो। अब जीरो माइनस का जीरो तो इसको मैं हटा भी सकती हूं, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में इसको, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस बी आर रेडिकल की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे को पोर्शन को उठा के जीरो के उधर ले जाऊं, क्या होगा के वन आई अब्सॉर्ब किसके इक्वल हुआ के फाइव बी आर रेडिकल की स्क्वायर, किसकी वैल्यू निकालनी है बी आर रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बी आर रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बी आर रेडिकल को एक साइड रखो और ये इस के फाइव को इसके नीचे ले आओ, क्या बनेगा के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब। बी आर रेडिकल की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या होगा यहां का स्क्वायर हट जाएगा और यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब के ऊपर पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, या आप इनकी पावर वन बाय टू भी शो कर सकते हो, एक ही बात है। तो हमारे पास बी आर रेडिकल की वैल्यू आ गई, इस बी आर रेडिकल की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर टू में रख के किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, एच रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। तो ये बाकी सब पोर्शन हटा दो, इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं हम फोर। इक्वेशन नंबर फोर से बी आर रेडिकल की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट करूंगी मैं, इक्वेशन नंबर फोर से बी आर रेडिकल की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट करूंगी। इक्वेशन नंबर टू में पुट करो जीरो इक्वल टू के टू एज इट इज लिख दिया मैंने, उसके बाद है बी आर रेडिकल, बी आर रेडिकल की जगह मैं वैल्यू रखूंगी के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर वन बाय टू, या अंडर रूट लगा लो एक ही बात है। उसके बाद है एच टू, बी आर रेडिकल की वैल्यू रख दी, अब क्या है एच टू एज इट इज लिख लो एच टू, फिर आता है माइनस, फिर आता है के थ्री, फिर आता है एच रेडिकल एज इट इज रख लो, फिर आता है बी आर टू, बी आर टू भी लिख दो, फिर आता है माइनस के फोर एच रेडिकल एच बी आर। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एच रेडिकल की, इस टर्म में भी है और इसमें भी है, इन दोनों में है, जीरो को जीरो के उस साइड लेके जाओ, जैसे इसको जीरो के अपोजिट साइड लेके गए तो ये जो माइनस की वैल्यू थी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप जीरो के इधर लेके आए तो मैं के टू के वन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर वन बाय टू, ये तो इंटू एच टू, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, उसके बाद
ये जीरो था, इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आए। कोई बात नहीं, इक्वल साइन लगा के आप कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हो। इक्वल टू क्या हुआ, ये माइनस के दोनों थे, प्लस के साइन से बन जाएंगे क्या, के थ्री एच रेडिकल बी आर टू प्लस के फोर एच रेडिकल एच बी आर। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एच रेडिकल कॉमन आ रहा है। यहां पे भी एच रेडिकल है और इसमें भी एच रेडिकल है, दोनों में एच रेडिकल कॉमन ले लो। जैसे ही आप कॉमन लोगे, ये इक्वेशन तो एज इट इज यहां पे आ जाएगी, के टू, इसमें तो मैं कोई भी चेंज नहीं कर रही हूं। ये तो एज इट इज है, क्या कॉमन ले लिया मैंने, एच रेडिकल कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। ये तो मेरा ब्रैकेट के अंदर बच गया भाई, यहां से तो के थ्री बी आर टू बचा, यहां के फोर एच बी आर बचा और एच रेडिकल बाहर लिख दिया। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, केवल इस एच रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस एच वैल्यू, एच रेडिकल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एच को तो इधर रख लो, बाकी ये जो मल्टीपल में पोर्शन है इसको इसके नीचे भेज दो। तो एच रेडिकल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, के टू के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर वन बाय टू एच टू अपॉन, ये वैल्यू उठा के मैं यहां रख रही हूं, क्या आएगा, के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। ये आपका एच रेडिकल की वैल्यू हो गई और ये बी आर रेडिकल की वैल्यू हो गई, ये इक्वेशन नंबर फाइव। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको कहां पुट करना है, जो रेट की इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर वन, वहां पे हमें इस इक्वेशन, इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है और कल की तरह रेट की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे रेट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेट इक्वल टू, ये रहा इक्वेशन नंबर वन यूज कर रही हूं मैं, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के टू। अब बी आर रेडिकल की जगह मैं वैल्यू क्या पुट कर रही हूं, ये वैल्यू क्या है, के वन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर वन बाय टू, उसके साथ क्या है एच टू एज इट इज लिख लो, प्लस फिर क्या है के थ्री एज इट इज लिख लो, फिर क्या है एच रेडिकल, एच रेडिकल की वैल्यू ये रही क्या है, के टू के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर वन बाय टू, मैं इसको यहां लिख रही हूं, प्लस के साइन के बाद यहां से लिख रही हूं, क्या है आपका के थ्री एच रेडिकल, एच रेडिकल की जगह वैल्यू पुट कर रही हूं के टू, अब के टू के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर वन बाय टू एच टू अपॉन के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। एच रेडिकल लिख दिया, उसके आगे क्या लगा हुआ है बी आर टू, फिर क्या है माइनस के फोर एच बी आर एज इट इज, और इस एच रेडिकल की जगह ये बड़ी सी वैल्यू पुट करनी है, क्या है के टू के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर वन बाय टू एच टू अपॉन के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। ये हमारे रेट की इक्वेशन हो गई।
और अब सब चीजों को हटा दो और केवल जो रेट की इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। इन सब वैल्यूज को हटाओ और जो रेट की इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो इन सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है। रेट इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ रहा है, के टू के वन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर 1/2 एच टू सब में है। के टू के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर 1/2 एच टू इसमें भी है और ये की ये वैल्यू ये रही यहां पे भी है। तो मैं सब में इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन ले रही हूं, मैं इन तीनों टर्म में से कॉमन ले रही हूं के टू के वन अपॉन के फाइव आई अब्सॉर्ब की पावर 1/2 एच टू ये मैंने कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा 1+, यहां पे क्या बचा के थ्री ये बचा और बी आर टू और इसके अपॉन में बचा आपके पास के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर माइनस के फोर बचा यहां पे और एच बी आर बचा क्योंकि ये पूरा पोर्शन तो मैं बाहर कॉमन ले लिया के फोर एच बी आर और अपॉन में क्या है आपके के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर एलसीएम आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, बाहर तो एज इट इज है कोई भी चेंजेस नहीं किया मैंने। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को मैं सोल्व कर रही हूं, बाहर तो एज इट इज है के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहां तो क्या आ जाएगा के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर इस वन की जगह तो प्लस के थ्री बी आर टू माइनस के फोर एच बी आर ये रहा माइनस के फोर एच बी आर। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट मीन्स अंदर आपके कल की तरह वही फॉर्म बन गई। रेट आपका आ गया के टू के वन अपॉन के फाइव की पावर 1/2 आई अब्सॉर्ब की पावर 1/2 एच टू ये फॉर्म बनी। के थ्री बी आर टू ये रहा और के थ्री बी आर टू ये रहा तो मैं इसको क्या लिख दूं, टू के थ्री बी आर टू अपॉन के थ्री बी आर टू प्लस के फोर एच बी आर। इस ये टू भी कांस्टेंट है इस टू को यहां ले जाओ और आपका रेट क्या बन गया, टू के वन अपॉन के फाइव की पावर 1/2 आई अब्सॉर्ब की पावर 1/2 एच टू। अब यहां क्या बचा के थ्री बी आर टू। अब देखो कल हमने क्या किया था, नीचे वाले पोर्शन में मैंने के थ्री बी आर टू कॉमन ले लिया था, के थ्री बी आर टू हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा ये तो 1+। अब यहां के थ्री बी आर टू है ही नहीं तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा के फोर एच बी आर अपॉन के थ्री बी आर टू।
इस K3 Br2 से ये K3 Br2 कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म आ गई। इस इक्वेशन फॉर्म में हम जो कांस्टेंट हैं उनको एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और रेट की इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशंस कैलकुलेट हो जाती है हमारे पास। यहां पे देखो 2 K2 K1 upon K5 की पावर 1/2, कल किससे डिनोट किया था? कैपिटल के से डिनोट किया था। 2 K2 K1 upon K5 की पावर 1/2 आई अब्जोर्ब की ये पूरी, इसको हमने कैपिटल के से डिनोट किया था, और K4 upon K3 इसको हमने के डैश से डिनोट किया था। ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में रखूंगी तो मेरे पास रेट की इक्वेशन आ जाएगी। ये पूरा का पूरा मैं कैपिटल के से डिनोट करूं, आई अब्सॉर्ब की पावर 1/2 H2 अपॉन, ये कट गया, नीचे क्या आया 1 plus K dash HBr अपॉन Br2। ये इक्वेशन हमारे पास किसकी आ गई? रेट की इक्वेशन आ गई। कौन सी रिएक्शंस की? फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी? H2 और Br2 की फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट की इक्वेशन ये आ गई। अब हम कल की क्लास में H2 और Cl2 की थर्मल रिएक्शंस स्टडी करेंगे और वैसे ही फिर हम उसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।